हेलो बच्चों मेरा नाम है कृष्णा और आपका स्वागत है फ्रेंड्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ की मैथ्स की बुक से चैप्टर इलेवन और चैप्टर इलेवन है बच्चों एरिया एंड इट्स बाउंड्री यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग एरिया और बाउंड्री के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों इस चैप्टर के रिगार्डिंग में तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं उसके बाद ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे तो जैसे इस चैप्टर का नाम है एरिया एंड बाउंड्री यानी कि बाउंड्री का मतलब मैथ्स के अंदर पेरीमीटर होता है बच्चों पेरीमीटर को ही यहाँ पे बाउंड्री लिखा जा रहा है बेसिकली ये जो चैप्टर है बच्चों एक मैं टॉपिक होता है मैथ्स के अंदर वहां से ये चैप्टर उठाया गया है ठीक है और उसी के अंदर से ये दो चीजें आप कैलकुलेशन करना इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हो फर्स्ट आप सीखोगे एरिया कि भी एरिया क्या होता है एरिया का कॉन्सेप्ट और कैलकुलेट कैसे करते हैं और सेकंड बच्चों हम लोग सीखेंगे इसके अंदर बाउंड्री बाउंड्री जिसे हम पैरीमीटर भी बोलते हैं बच्चों तो पैरीमीटर भी इसके अंदर सीखने वाले हैं और दोनों ही चीजें चाहे हम एरिया की बात कर लें चाहे बाउंड्री की बात कर लें ये दोनों ही चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लोज डायग्राम का यानी कि जो क्लोज डायग्राम आपको गिवन होगा उसी का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो और बाउंड्री भी कैलकुलेट कर सकते हो इट मीनस ये है बच्चों कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई क्लोज फिगर क्या होता है ओपन फिगर क्या होता है तो क्लोज फिगर वो होता है बच्चों जिसकी बाउंड्री हर तरफ से क्लोज होती है उसे हम क्लोज फिगर बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ क्लोज फिगर के लिए ठीक है चाहे आप क्लोज फिगर बोल लो या फिर क्लोज डायग्राम बोल लो फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ रेक्टेंगल रेक्टेंगल जो होता है बच्चों ये क्लोज फिगर है ठीक है रेक्टेंगल के अलावा एक और एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ स्क्वायर और स्क्वायर भी क्या है क्लोज फिगर है देखो रेक्टेंगल की एक तरह से डेफिनेशन कह सकते हो आप अ क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड क्लोज फिगर है ये और इसकी फोर साइड है एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल ये दोनों जो अपोजिट साइड है ये इक्वल है ठीक है ये भी अपोजिट साइड है ये दोनों भी इक्वल होगी इसी तरह से अगर हम स्क्वायर की बात करें बच्चों तो स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर भी फोर साइड होता है और इसमें चारों की चारों साइड ऑल फोर साइड की जो लेंथ होती है बच्चों वो इक्वल होती है बस ये डिफरेंस है रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है लेकिन स्क्वायर में क्या होता है अपोजिट तो इक्वल होता ही होता है बल्कि ये चारों ही साइड इक्वल होती है इसके अंदर तो इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके एरिया को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे पैरीमीटर को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे हाँ पेरीमीटर बोल लो या फिर बाउंड्री बोल लो मीनिंग सेम है ठीक है तो सबसे पहले इनके फार्मूले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है स्क्वेयर से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है ये तो पहले हम उसे नोट कर लेते हैं जैसे सबसे पहले मैं लिखवाता हूं रेक्टेंगल के रिगार्डिंग में तो फर्स्ट फार्मूला आप कह सकते हो बच्चों ये हो सकता है आपका कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपके लिए एक फार्मूला होगा जिसे आपको नोट भी करना है ठीक है ये होता है बच्चों लेंथ इन में ब्रेथ ठीक है लेंथ में ब्रेथ ठीक है लेंथ इस वाले को बोलेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपको जो दिख रही है और ब्रेथ इसको बोलते हैं अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं अभी तो रेक्टेंगल का बताया मैंने अब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं बच्चों तो यानी इस डायग्राम का सेकंड डायग्राम का कि भी इसका इसके लिए अगर एरिया कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे तो इसके अंदर भी ये देखो ये जितनी भी है ये क्या है साइड से इसकी तो किसी भी दो साइड को आप ले लो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या फार्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा ठीक है तो ये दो फार्मूले जो मैंने आपको बताया बच्चों ये एरिया से रिलेटेड है एरिया से फर्स्ट मैंने रेक्टेंगल के एरिया से रिलेटेड बताया सेकंड मैंने स्क्वायर से रिलेटेड बताया ठीक है थीके? पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल फार्मूले पहले आपको नोट करना ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे इसे क्वेश्चन में यूज करेंगे वो क्वेश्चन आने तो फिर मैं एक एक करके वो भी समझाऊंगा ठीक है चलो एरिया वाला तो कॉन्सेप्ट हो गया अभी फार्मूले क्या यूज करने अब बाकी बारी आती है बच्चों अब बाउंड्री यानी पेरीमीटर की बारी आती है ठीक है तो मैं एक बार इसे रफ करूंगा अगर नोट नहीं किया है वीडियो को पॉज करो और ये फार्मूले नोट कर लो ठीक है तो अब मैं इसे थोड़ा सा रफ करके बच्चों यहां पे थोड़ा रफ कर लेता हूं और मैं क्या करता हूं बाउंड्री बाउंड्री जिसे पेरीमीटर भी हम बोलते हैं बच्चों ठीक है उसके एरिया मतलब उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे वो मैं नोट करवा रहा हूं ठीक तो है तो थर्ड जो फार्मूला बच्चों वो आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगल का पैरीमीटर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको समझना होगा तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है अभी कि भी आप क्या करो जो लेंथ है बच्चों ठीक है लेंथ है ठीक है यानी ये वाली साइड यहां से लेकर के यहां तक लेंथ क्यों और इसकी जो ब्रेथ है बच्चों इन दोनों को ना प्लस कर लो इसकी लेंथ को और ब्रेथ को इसकी जो जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी इनको आप पहले प्लस करोगे ठीक है और जो प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे क्या करोगे टू से मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है क्या करोगे टू से मल्टीप्लाई कर लोगे इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर अच्छा अब बात कर लेते हैं भी स्क्वायर के लिए क्या यूज करेंगे तो स्क्वायर के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जो फार्मूला लिख लेते हैं उसके बाद मैं एक एक करके समझाता हूं कि आप लिखोगे पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो बच्चों जो स्क्वायर की अगर पेरीमीटर की बात करें तो आपके पास ये फोर साइड है और सबकी लेंथ क्या इक्वल है ठीक है सबकी लेंथ क्या इक्वल है तो आप ये कह सकते हो कि सर ऐसा करते हैं कि जो साइड की लेंथ है ठीक है साइड उसको अगर फोर से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास ये पैरीमीटर आ जाएगा ठीक है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ठीक है पैरीमीटर के रिगार्डिंग अब सोच रहे हो सर ये पेरीमीटर होता क्या है तो बच्चों ये जो इसकी बाउंड्री है यानी कि अगर मैं इस, इसे स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं ए पॉइंट फिर बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट यानी कि ए से लेकर के दोबारा जब ए तक आएंगे A से से पे पे फिर B से C पे, फिर पर और तक यानि कि जो पूरी बाउंड्री है बच्चों इसी को पैरीमीटर बोला जाता है ठीक है इसलिए बाउंड्री भी बोल सकते हो आप पैरीमीटर भी बोल सकते हो ठीक है मीनिंग सेम है सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर में बात करूं तो इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं ये ई e पॉइंट है एफ जी और ये एच यानी कि ई e से स्टार्ट होके okay, एफ फिर जी फिर एच फिर दोबारा ई e पर आ जाए तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल जो किया ये होता है यानी कि एक एक सिंपल सा फार्मूला आप ये भी कह सकते हो जितने भी क्लोज फिगर हैं बच्चों ठीक है उन सब का अगर पेरीमीटर पैरीमी ऑफ क्लोज फिगर कोई भी क्लोज फिगर आपके पास आ जाए और उसका पैरीमीटर निकालना है बच्चों आपको तो आप लोग पता है क्या करोगे जितनी भी जितनी भी इसकी साइड होगी उसकी जो लेंथ होगी उसे हम प्लस कर देंगे यानी कि हम ये कह सकते हैं सम ऑफ ऑफ लेंथ लेंथ ऑल साइड्स जितनी भी साइड हो उसकी लेंथ को आप प्लस कर लो ठीक है उसे प्लस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा किसी भी क्लोज फिगर का ठीक है तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए क्या है इस चैप्टर के अंदर तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके बुक के अंदर है बच्चों वो ये है Uh, ये सेकंड क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है और टॉपिक जो आपके लिए कुछ इस तरह से हु स्लाइस इज बिगर अब यहां पे आपके पास ये टू डिफरेंट डायग्राम है ये पीस वन है यानी कि फर्स्ट डायग्राम कह सकते हो उसे आप और ये आपके पास पीस टू है सेकेंड डायग्राम है आपके पास अब इन दोनों साइज जो आपके पास गिवन है डायग्राम गिवन है आपको ये चेक करना है कि विच वन इज बिगर इन दोनों में से बड़ा कौन सा है देखो अगर लेंथ वाइज देखोगे कहोगे सर ये तो हमें ये वाला बड़ा लग रहा है लेंथ वाइज बोला मैंने ठीक है लेकिन जब बिगर का मतलब है बच्चों तो हमें यहां पे क्या करना होगा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा और देखो और ये दोनों ही डायग्राम चाहे पीस ए की बात कर लो चाहे पीस बी की बात कर लो दोनों ही जो डायग्राम है बच्चों ये रेक्टेंगल है ठीक है क्या है रेक्टेंगल तो इट मीन आप समझ गए कि सर यहां पे रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगाना है क्या हाँ भाई रेक्टेंगल वाला ही फार्मूला लगाना है रेक्टेंगल का कौन सा ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ ये हम यूज करेंगे इसके अंदर कैसे जरा देखो क्वेश्चन अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई जैसे इसमें टॉपिक है ना आपके पास हु स्लाइस इज बिगर पात एंड गिनी अबाउट आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइस जो आम पापड़ होता है ना जिसे हम ड्राइड मैंगो स्लाइस भी बोल सकते हैं बेसिकली हम लोग आम पापड़ घर में बोलते हैं फ्रॉम अ शॉप देयर पीस लुक लाइक दिस उनके जो पीस है कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं पीस ए इस तरह से दिख रहा है पीस बी इस तरह से दिख रहा है अब हमें क्या करना है बच्चों सोल्यूशन में इनका एरिया कैलकुलेट करना होगा भाई तो पहले लिखेंगे सोल्यूशन क्वेश्चन के बाद और हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो पहले आप लिखा लोगे एरिया ऑफ एरिया ऑफ पीस वन पीस वन बोल सकते हैं या फिर स्लाइस वन भी आप बोल सकते हो जो फर्स्ट हमारे पास जो डाइग्राम है मैं ऐसे नाम रख लेता हूँ पीस वन रख लिया मैंने इसको जो फर्स्ट पार्ट है यानी फर्स्ट पीस है इसका कैलकुलेट करता हूं तो फार्मूला क्या होगा बच्चों रेक्टेंगल uh, का जो फार्मूला होता है मैं यहां साइड में फार्मूला भी लिख देता हूं अगर आप भूल गए हो तो भाई कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इन दोनों की की जो भी वैल्यू होती है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे अब अगर ध्यान से देखो बच्चों तो सिक्स आपके पास यहां पर लेंथ गिवन है ठीक है ये आ गया और ये फाइव आपके पास ब्रेथ गिवन है ये आ गया आपके पास यानी इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ गया थर्टी आ गया बच्चों ठीक है क्या आया थर्टी आ गया लेकिन जब हम एरिया का वैल्यू लिखते हैं बच्चों तब तो हमें कुछ इस तरह लिखना होता है थर्टी सेंटीमीटर क्या है ये सेंटीमीटर में वैल्यू सेंटीमीटर में टू टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं दोबारा बोल रहा हूं टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं कुछ कुछ लोग इसे स्क्वायर ऐसे लिखने की जगह ऐसे भी लिख देते हैं थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है इस तरह से लिख भी देते हैं मीनिंग सेम है स्क्वायर स्क्वायर यहां पे लगा दो लिख दो सेंटीमीटर लिख ये है ठीक है तो चाहे इस तरह से भी कर सकते हो मैं दोबारा लिख देता हूं आ, ये लो ठीक है तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट पार्ट की इसकी वैल्यू कितनी आई थर्टी आई अब सेकेंड पीस का भी निकाल लेते हैं यहां पर हम लिखेंगे एरिया एरिया ऑफ ये तो पीस एक आता है बच्चों ठीक है अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पीस बी और पीस बी के लिए हमें क्या करना होगा लेंथ हमारे पास बच्चों क्या है 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 ये एल आपके पास ठीक यहां पे फर्स्ट के लिए एल ये था यानी एल लेंथ होता है बच्चों और ये बी यानी ब्रेथ था यहां पे लेंथ आपके पास क्या है ये आपके पास है बच्चों इलेवन है इलेवन लिख लूंगा और यहां पर आपके पास क्या है थ्री है तो इलेवन मल्टीप्लाई बाई तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है थर्टी ठीक है तो मैं इसे क्या लिखूंगा थर्टी थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर अब आप खुद बताओ वन इज लॉन्गर या वन इज बिगर तो आप बोल सकते हो कि सर पीस बी जो है हमारे पास जो है ये वाला ये क्या हमारे पास बिगर है ठीक है ये हमारे पास इसका जो साइज है बच्चों ये बिगर है तो फाइनली अब ये जो लिखोगे एक स्टेटमेंट और लिख देता मैं इधर स्पेस नहीं है मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है यहां पर और यहां पे क्या लिखोगे कि पीस बी जो पीस बी है आपके पास बच्चों पीस बी इज ग्रेटर देन पीस ठीक है जो पीस ए ये A वाला है आपके पास ये आपके पास क्या Smaller है तो ये आप कंडीशन लिख लो देर फोर लास्ट में लिख दोगे जो आपके पास आंसर आया पीस बी इज ग्रेटर देन पीस ए ठीक है तो इस तरह से आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे और अपना आंसर निकाल लोगे चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास यह क्वेश्चन सजेस्ट सम वे टू फाइंड आउट हुआ पीस इज बिगर डिस्कस ठीक है अब जो आपने बच्चा ये जो किया था अब वाले क्वेश्चन में अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है एक बार पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों आपके लिए सजेस्ट सम वे टू फाइंड आउट पीस इज बिगर और फिर आपको डिस्कस भी करना है तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बच्चों ये जो डायग्राम आपके पास था ये फर्स्ट डायग्राम ये सेकंड डायग्राम तो एक तो ये मैंने आपको बताया कि आप फार्मूला लगाओगे और इसे कैलकुलेट कर सकते हो सेकेंड एक और मेथड है जैसे मैं पीस वन यानी पीस ए जो फर्स्ट है बच्चों अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना हो ठीक है कुछ इस टाइप का ये डायग्राम आपके पास है तो आप लोग क्या करोगे इसे इस तरह से बॉक्सेस में से कन्वर्ट कर लोगे कुछ इस तरह से मतलब स्केल लोगे पेंसिल लोगे और इसे इस तरह से के अंदर स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस बना दोगे ठीक है और इसे भी इस तरह से और जब इसे आप कंप्लीट करोगे इसे तो इसके अंदर आपके पास खूब सारे स्क्वायर बन के आ जाएंगे और ये जो स्क्वायर होंगे यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो आपका एरिया होगा जरा देखो ध्यान से जैसे पार्ट ए था बच्चों यानी कि पीस ए इसमें आपके पास लेंथ कितनी थी सिक्स थी और ब्रेथ कितना था यानी कि एल की वैल्यू आपके पास सिक्स है बी की वैल्यू आपके पास फाइव है तो उसी के अकॉर्डिंग तो मैंने यहां पर क्या किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पार्ट में से डिवाइड कर दिया और ये यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पार्ट में से डिवाइड कर दिया यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो बी की वैल्यू फाइव थी बच्चों उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे फाइव पीसीज में इसे मैंने ब्रेक कर दिया और एल की वैल्यू जो हमारे पास सिक्स थी उसे भी मैंने ब्रेक कर दिया तो जैसे आप इसे देख रहे हो बच्चों तो अब क्या करोगे आपके पास ये स्मॉल स्मॉल स्क्वायर बन के आ जाएंगे इनको काउंट कर लोगे तो जब इसे आप काउंट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से जब पूरी काउंटिंग करोगे तो ये आपके पास टोटल जो होगा बच्चों वो टोटल आपके पास कितने आ जाएंगे यहां पे जैसे आप काउंटिंग करोगे थर्टी स्क्वायर बॉक्सेस आ जाएंगे तो यानी कि आप ये एक मेथड आपके पास तो वो था दूसरा मेथड जिससे आपने ये कैलकुलेट किया कैसे क्या? किया काउंटिंग करके किया यानी कि आप बोल सकते हो एरिया ऑफ एरिया ऑफ पीस फर्स्ट पीस ए की या फर्स्ट की बात करें तो ये हमारे पास कितना आ गया ये हमारे पास थर्टी आया कितने बॉक्स आए थर्टी बॉक्सेस आ गए यानी कि थर्टी स्क्वायर सेंटीमीटर बोल सकते हो आप ठीक है थर्टी स्क्वायर सेंटीमीटर अब ये स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहां पे स्क्वायर बॉक्सेस बन के आ रहे हैं या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि थर्टी सेंटीमीटर है? अच्छा ये तो आपने पार्ट ए किया यानी कि पीस ए ये वाला किया बच्चों फर्स्ट वाला किया अब अगर हम सेकेंड वाले की बात करें ठीक है इसकी बात करें तो इसमें भी आप लिख सकते हो इसका एरिया पहले तो आप लिखोगे एरिया ऑफ पीस बी इसमें आपके पास जो एक रेक्टेंगल जो बड़ा सा था बच्चों कुछ इस टाइप का एक रेक्टेंगल था इस टाइप का और आपके पास जो एल की वैल्यू थी और इसके अलावा जो बी की वैल्यू थी पहले उसे देख लो कितना है तो आपके पास जो एल की वैल्यू थी बच्चों इसके अंदर ये तो 11 था और ये आपके पास थ्री था ठीक है इलेवन एंड थ्री है तो हम क्या करेंगे इसमें जो एल की वैल्यू इलेवन है यानी कि मुझे क्या करना होगा बच्चों इसके अंदर ऐसे इलेवन एक्से बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे ठीक है और जो बी की वैल्यू थ्री है तो थ्री ऐसे लाइन इसे ब्रेक कर देंगे कुछ इस टाइप से तो कुछ इस तरह से ये ड्रा हो जाएगा और कुछ इस तरह से ये भाई ये भी ड्रा हो जाएगा और उसके बाद आपको इस तरह से बॉक्स कितने बनेंगे आपके पास बन जाएंगे बच्चों जैसे ये देखो थ्री ठीक है फिर थ्री सिक्स ना, नाइन और इस तरह से टोटल जो बनेंगे बच्चों आपके पास थर्टी थ्री स्क्वायर बॉक्सेस बनेंगे ठीक है तो ये लिख सकते हो आप थर्टी टू स्क्वायर सेंटीमीटर तो दो मेथड मैंने आपको बताया एक तो फार्मूला लगा के कर सकते हो और दूसरा आप लोग कैसे करोगे बच्चों दूसरा इसे बॉक्स बना के भी कर सकते हो ठीक है अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर थ्री है आपके लिए ऑल दो हाउ मेनी स्क्वायर कैन बी अरेंज ऑन इट अच्छा अब इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये जो ये डायग्राम है आपके पास मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूं ठीक है इस डायग्राम की अगर बात करें ये क्वेश्चन नंबर थ्री में भी यूज करना है आपको सेम डायग्राम क्वेश्चन नंबर थ्री में इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स कितने बन के आया है आपके पास तो जैसे आप इसमें काउंट करोगे तो थर्टी आए थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एक लाइन में ऐसे सिक्स सिक्स ट्वेल्व 12 और 6 कितने और 12 में 6 कि 6 का टेबल बन रहा है सिक्स वन जा सिक्स बस यही क्वेश्चन था आपके पास कि आपको ये बताना है कि हाउ मेनी स्क्वेयर देखो लिखा है ना हाउ मेनी कैन बी अरेंज ऑन इट तो आप ये कह सकते हो टोटल थर्टी स्क्वे ठीक है कितने स्क्वायर आप अरेंज कर सकते हैं इसके अंदर थर्टी स्क्वायर अरेंज कर सकते अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर आपके लिए सो द एरिया ऑफ पीस ए इज इक्वल टू डैश तो एरिया हमने जो कैलकुलेट किया बच्चों क्योंकि यहां पे बॉक्स थर्टी है बन के आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि थर्टी ही इसका स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा यानी कि आप ये लिख सकते हो बच्चों इसका आंसर कि एरिया ऑफ पीस ए इज इक्वल टू थर्टी स्क्वेयर सेंटीमीटर या फिर आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो कि थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये टू जो है बच्चों इस तरह से बनाएंगे जरा देखो ये मैं दोबारा बना रहा हूं कि आप सेंटीमीटर लिखोगे और इसके ऊपर छोटा सा टू बना दोगे इस तरह से इसको स्क्वायर बोला जाता है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री ऐसे कर लेंगे और फोर भी हो गया अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखो बच्चों फाइव में आपके पास ये इन इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी अब जो पीस ए का तो हमने पहले कर लिया भाई पे अब आपको बताना है कि कितने तो तो आए तो थे तो 33 थ्री आए थे देखो यहां पे जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्स कितने आ रहे ऐसे जो आपने ब्रेक किए जैसे फर्स्ट ब्रेक सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सेवन एट नाइन टेन एक मिनट देख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन बाकी जो है इनको हम रफ कर देंगे इसकी हमें जरूरत नहीं है इस पहले सिर्फ इतना ही पोर्शन रहेगा मैं इसकी ज़रूरत हमें नहीं है ठीक है यानी कि इलेवन आपको काउंटिंग में होनी चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और इधर आपके पास वन टू थ्री तो टोटल तो अगर काउंट करोगे बच्चों तो आपके पास यहाँ थर्टी थ्री स्क्वायर बॉक्सेस बन के आ रहे हैं ठीक है बस यही तो आंसर लिखना है हमें कितना बन के आ रहा है आपका एरिया थर्टी स्क्वायर बॉक्स तो आप ये लिख सकते हो थर्टी स्क्वायर्स नहीं थर्टी नहीं थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी तो फर्स्ट पार्ट में आया था सेकंड पार्ट में हमारे पास कितना है थर्टी थ्री स्क्वायर्स ठीक है तो आप ये कह सकते हो थर्टी ट्री स्क्वास आपके पास पार्ट बी का आ गया या फर्दर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एरिया एरिया ऑफ पीस पीस बी इज इक्वल टू तो थर्टी थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अच्छा अब फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके लिए विच हैड द बिगर पीस अब आपको ये बताना है इन दोनों में कि इसमें से बड़ा पीस कौन सा है बहुत ईजी है तो आप कह सकते हो पीस पीस बी इज बिगर देन पीस ए पीस ए के कंपेरिजन में पीस बी जो है बच्चों वो हमारा बिगर होगा ठीक है वो कैसे पता लगा क्योंकि आप लोग जानते हो कि थर्टी थ्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्टी इस वजह से तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भी एरिया कैसे कैलकुलेट करना है मैंने फार्मूला लगा के भी सिखाया आपको फार्मूले के अलावा ये जो डायग्राम बना करके यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्स को काउंट करके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ठीके? चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके बुक में क्या है तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके लिए ये कि कवर विद स्टम्प ये जो स्टाम्प पेपर होता है ना स्टाम्प वगैरह जो यानी वो जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में हमें जो स्टम्प मिलते हैं ये इसे चिट वगैरह टाइप की मिलते हैं इसके रिगार्डिंग में कि आपके पास ये, ये पोस्ट कार्ड है और इसके ऊपर आपने ये टिकट जैसी ये आपको पेस्ट करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन दिस स्टाम्प जैसे दिस स्टाम्प हैज हैज एरिया ऑफ फोर स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि इसके अंदर अगर एरिया की बात करें कि इस पर्टिकुलर सिर्फ इस वाले टिकट की अगर हम बात करें इस स्टाम्प की अगर हम बात करें इसका एरिया आपके पास कितना है फोर सेंटीमीटर स्क्वायर है अच्छा अब आपसे बोला जा रहा है गैस हाउ मेनी सच स्टाम्प विल बी कवर दिस बिग रेक्टेंगल ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल यानी जो पोस्ट कार्ड आपको दिख रहा है इस पोस्ट कार्ड के ऊपर ये जो है कितने आप कवर कर सकते हो उसके लिए तो भाई इसमें हमें क्या करना है क्वेश्चन को पहले नोट कर लेना है और क्वेश्चन नोट करने के बाद बच्चों इसे क्या करोगे आप ड्रॉ करोगे ठीक है इस पोस्ट कार्ड को ड्रॉ करोगे और इसमें आप कितने प्लेस कर सकते हो ठीक है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अब इसमें अगर लगाना स्टार्ट करूं पहले मैं इसको रफ कर देता हूं इन सबको ठीक है इन सबको एक बार रफ कर लेते हैं ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए ठीक है ठीके? ये मैंने अभी रफ कर दिया अच्छा अब जैसे मुझे इसका सोल्यूशन करना हो ठीक है कि जैसे मान लो यहां मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूं ठीक है बच्चों ये सोल्यूशन कर रहा हूं तो ये देखो यहां पे आपके पास कितना वन था इस तरह से आप क्या करोगे और भी टिकट लगाओगे इस तरह वन टू थ्री फोर फाइव तो इस तरह से मैं जैसे आपको दिखा रहा हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी कि लेंथ वाइज अगर मैं बात करूं बच्चों तो आपने कितनी टिकट लगा ली सेवन टिकट लगा दी ठीक है अगर इसकी यानी ब्रेथ वाइज बात करें तो इसमें वन टू थ्री फोर ठीक है तो टोटल अगर आप काउंट करो नंबर ऑफ टिकट आपने नंबर ऑफ स्टाम्प कितने लगाए आपने? ये आपको बताना है तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ स्टाम्प रिक्वायर्ड ठीक है कितने की हमें जरूरत पड़ेगी इसे फिल करने के लिए तो काउंट कर लोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन फर्स्ट लाइन में सेकेंड लाइन में सेवन आएगा तो फोर्टीन हो जाएगा थर्ड लाइन में सेवन आ जाएगा तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन हो गया और फोर्थ लाइन में जब आ जाएगा बच्चों तो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट यानी कि आप ये भी बोल सकते हो या तो काउंट कर लो भाई सबको या फिर लेंथ कितनी इसकी सेवन है और ब्रेथ कितनी इसकी फोर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आंसर आएगा ट्वेंटी एट आ जाएगा तो ट्वेंटी एट हमारे पास टर्म की जरूरत पड़ेगी इसको फिल करने में ठीक है इस तरह से अच्छा तो इस तरह से आपने क्या किया पहले आपने क्या किया जैसे इसमें हाउ मेनी सच स्टाम विल कवर तो आप कह सकते हो टोटल ट्वेंटी एट तो फिल दिस रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल को अगर मुझे पूरा फिल करना है तो मुझे कितने की जरूरत पड़ी है ट्वेंटी एट की जरूरत पड़ रही थी ठीक है तो आप इस तरह से काउंट करके लिख सकते हो और हाँ आपको ये वाला जो है ना ड्रॉ करके जरूर दिखाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर ठीक है चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की क्वेश्चन नंबर एट जो है इसमें इसमें खूब सारे पार्ट बने हुए हैं ठीक है और जो टॉपिक है आपके लिए कुछ इस तरह की कि चेक योर गैस पहले आपको चेक गैस करना है फिर चेक करना कि आपने सही गैस किया नहीं जैसे सबसे पहले उसका फर्स्ट पार्ट देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है मेजर द येलो रेक्टेंगल आपको जो येलो रेक्टेंगल है यानी इसकी अगर बात करें बच्चों ये जो बड़ा सा आपको जो दिख रहा था क्वेश्चन नंबर सेवन में इस बड़े से एक रेक्टेंगल इसके एरिया की बात करें इसको आपको बताना है इसका एरिया कितना होगा ठीक है जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो सॉल्व किया तो हमारे पास ये ट्वेंटी एट हमारे पास क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आया ट्वेंटी एट हमारे पास स्टाम आए ठीक है ठीके? क्या है हमारे पास स्टामी एट और जबकि वन स्टाम्प का जैसे बोला दिस स्टाम्प हैज एरिया ऑफ फोर सेंटीमीटर यानी कि वन स्टार्म की बात करें बच्चों वन स्क्वायर एरिया की बात करें ठीक है एक सिंगल की एरिया की बात करें वो आपके पास क्या है फोर सेंटीमीटर है ठीक है एक सिंगल की ठीक है एक की और टोटल यहां पे हमारे पास ट्वेंटी एट है तो जैसे आपके लिए क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें बोला मेजर द येलो रेक्टेंगल इज मेजर द येलो रेक्टेंगल इट इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ की बात की जा रही है तो लेंथ का मतलब है भाई ये वाला पोर्शन देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है सेवन आपके पास स्टाम्प है और वन है बच्चों ठीक है है जब स्क्वायर स्क्वायर तो का मतलब ये हुआ इसका एरिया आपके पास फोर दे रखा है और फोर को ब्रेक करके आप टू इंटू टू लिख सकते हो यानी कि इसकी जो साइड है बच्चों ठीक है इसकी अगर साइड की बात करें ये टू सेंटीमीटर आपके पास है और टोटल हमारे पास कितने स्टाम्पे सेवन है तो सेवन मल्टीप्लाई बाय टू आपके पास आंसर आ जाएगा तो आप लिखोगे कि, कि लेंथ लेंथ ऑफ येलो रेक्टेंगल ठीक है जो कि हमें हम अगर वैल्यू की बात करें बच्चों तो टोटल आपके पास कितनी स्टाम थी सेवन थी और एक स्टाम की लेंथ हमारे पास कितनी है टू है बच्चों तो आप ये कह सकते हो टोटल जो आपके पास कितना हो जाए इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो फोर्टीन सेंटीमीटर हो जाएगी ठीक है तो तो टू के है हमारे पास एक स्टाम की लेंथ है ये ठीक है और टोटल स्टाम्प कितनी है आपके पास सेवन है इसलिए मैंने सेवन यूज किया और यहां टू यूज किया और हमारा आंसर क्या आया फोर्टीन सेंटीमीटर आंसर आ गया अच्छा अब देखो भी इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर एट का सेकेंड पार्ट यानी बी पार्ट इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टाम्प कैन बी प्लेस यूजिंग लेंथ कि कितने स्टाम्प लगा सकते हो सिंपल है भाई इसके अंदर तो सेवन लगाया था हमने ठीक है कितना लगाया था हमने सेवन लगाया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है सिंपल है इसका आंसर तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टाम्स कैन बी प्लेस्ड कैन बी प्लेस्ड ऑन ऑन रेक्टेंगल वाइज ठीक है

हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल का वाइड यानी कि इसकी जो ब्रेथ है बच्चों उसके बारे में पूछा जा रहा है इसका ब्रेथ क्या है यानी कि क्वेश्चन को हम वाइड लिख लें या फिर इसकी एक और मीनिंग में जो मैं बता रहा हूं कि मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं कि ब्रेथ ठीक है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल तो देखो बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं रेक्टेंगल में तो टिकट कितनी लग रही टिकट यानी स्टाम्प कितनी लगी थी इसकी ब्रेथ वाइज वन टू थ्री फोर फोर स्टाम्प हमने लगाया था यहां पे ठीक है तो अब ये कह सकते हो एक की लेंथ कितनी है टू इंटू टू थी ठीक है एक की कितनी है टू इंटू टू यानी कि टू सेंटीमीटर है और टोटल आपके पास कितनी लगी बच्चों फोर लगी है तो अब ये कह सकते हो फोर मल्टीप्लाई बाय टू ठीक है एक की लेंथ कितनी है टू सेंटीमीटर और सबकी अगर बात करें बच्चे इसकी टू फिर इसकी भी टू इसकी भी टू और इसकी भी टू यानी कि एट है ठीक है एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फोर uh, को सॉरी एट को नहीं टोटल फोर है हमारे पास और फोर को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों आ जाएगा फोर टोटल स्टाम्प है और एक की लेंथ हमारे पास टू है तो यही कह सकते हो एट सेंटीमीटर ठीक है अच्छा उसके बाद देखो डी पार्ट डी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्टाम्प कैन बी प्लेस अलॉन्ग इध विद यानी कि ब्रेथ वाइज कितनी आपने टिकट या स्टाम्प लगा सकते हो तो जैसे आपने यहां पर लगाया था बच्चों फोर स्टाम्प लगाया था ठीक है भाई फोर लगा तो हम लोग लिख देंगे फोर फोर स्टाम ठीक है इस तरह लिख दोगे फोर स्टाम कितने की लगी देखो यहां पे तो सेवन वाइज लगा था और ये मैंने जो किया बच्चों ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं कैसे किया अलोंग इट्स विद ठीक है यानी कि आप ये कह सकते हो आपने स्टाम्प कैसे लगाया अलोंग इट्स विद यानी कि ब्रेथ वाइज आपने इसको लगाया इसमें किस कैसे किया लेंथ वाइज लगाया था दोनों में डिफरेंस है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि फोर जाएगा अच्छा तो इस तरह से इसका डी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया भाई अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी देखिए देखो ई पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को कवर करने के लिए कितने स्टाम की आपको जरूरत पड़ी जब आपने इसको पूरा सॉल्व किया बच्चों कितने स्टाम्प की जरूरत पड़ी तो आपने काउंट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से काउंट किया टोटल हमारे पास कितने है ट्वेंटी एट आया बच्चों ठीक है तो सिंपली हम आंसर क्या लिखेंगे ट्वेंटी एट स्टामी एट टिकट की जरूरत पड़ रही है इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को फिल करने के लिए अच्छा फाइनली अब जो एफ पार्ट है बच्चों अगर इस पे आए इस पे पूछा जा रहा है आपसे हाउ क्लोज हाउ क्लोज यू क्लोज वार अर्लियर गैस अच्छा हो सकता है अभी आप लोगों ने गैस किया होगा Uh, कि जैसे हम लोगों ने एक तो हमने काउंट करके निकाल लिया ठीक है हमने कैसे किया काउंट कर लिया जैसे सिंपली आपने बिना काउंटिंग करके भी कुछ लोग गैस करते हैं uh, आपने क्या गैस किया था जैसे ट्वेंटी एट तो एक्चुअल में काउंटिंग के बाद आ रहा है hmm, तो आपने जो गैस किया बच्चों उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आपने ट्वेंटी एट ही गैस किया था हो सकता है आप ट्वेंटी फाइव भी गैस कर सकते थे हो सकता है गैस की बात कर रहा हूँ कैलकुलेट की बात नहीं कर रहा हूँ गैस थर्टी भी गैस करके तो आपको यह बताना है कि आपका गैस कितना था ये बताओ भाई जैसे मुझे गैस करना होता तो मुझे लग रहा था भाई शायद ट्वेंटी फाइव हो गैस कैलकुलेट की नहीं कर रहा हूँ गैस करके भाई हो सकता है कि ये फाइव एक लाइन में हो और इधर नहीं ट्वेंटी लगता है भाई मुझे तो वैसे वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा लगा मुझे कि फाइव फाइव हो सकता है और इधर हो सकता है भाई कि भाई फोर हो जाएगा ठीक है तो ट्वेंटी के आसपास मतलब गैसिंग की बात कर रहा हूँ कि गैसिंग से तो ट्वेंटी मुझे लगा था ठीक है ट्वेंटी स्टाम अच्छा ये तो गेस करके और मेरा जो गैस आया था वो कैसे आया था राइट आया था रॉन्ग तो मैंने रॉन्ग गैस किया था बच्चों ठीक है कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमने तो डायरेक्ट राइट गैस कर दिया था ट्वेंटी एट स्टाम्प ही गैस दिया था ठीक है लिख सकते और गैस किया था तुम्हारा राइट गैस तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपने गैस किया ठीक है वो आपको आंसर इसके अंदर लिख देना है अब नेक्स्ट है आपके पास जी पार्ट में वट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अब ये जो पूरा रेक्टेंगल है बच्चो इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है इस रेक्टेंगल का एरिया बताओगे क्या है तो जब ट्वेंटी एट हमारे पास बच्चों जैसे मैं लिखोगे यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें बच्चों तो यह आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टार्म जितने भी है कि नंबर ऑफ स्टार्मीक है मल्टीप्लाई बाई फोर आप कहोगे सर ये फोर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो क्योंकि बच्चों जब स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो आपके पास जो टिकट है स्टाम्प है इसका एरिया कितना दे रखा है आपको फोर दे रखा है ये देखो एक का एरिया कितना है फोर है आपके पास ठीक है और टोटल हमारे पास कितना ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट पूरी टिकट यानी स्टाम्प और एक का एरिया फोर सेंटीमीटर है तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा रेक्टेंगल का मेरे पास एरिया आ जाएगा तो इट मीन ये है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको ट्वेंटी को ट्वेंटी को यहां पर लिखता हूं ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करोगे फोर से ठीक है बस कर लो भाई कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाई फोर फोर को पहले एट से मल्टीप्लाई करोगे फोर एट जा थर्टी टू और ये आगे आपके पास और इधर फोर फोर टू 8 और एट और थ्री कितने हो गए आपके पास इलेवन हो गए यानी कि वन हंड्रेड ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर आप बोल सकते हो वन हंड्रेड ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है या फिर आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं आ, देखो मैं यहां लिख देता हूँ वन हंड्रेड ट्वेल्व

बता देते हैं पैरीमीटर कैसे निकलेगा जरा देखो भाई पहले आप लिखोगे कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ठीक है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अच्छा याद करो जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको फार्मूला बताया था पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जरा कमेंट करके तो बताओ कि आपको याद भी है नहीं मुझे चेक करना है भाई कि आप लोग ध्यान से क्लास अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वीडियो ठीक से देख रहे हो नहीं देख रहे हो तो भाई फटाफट बताओ कि भाई इसका फार्मूला क्या होता है किसी को याद है वीडियो रोक करके फटाफट फड़ कमेंट करके बताओ फिर चेक करना भी आपको याद रहा या भूल गए चलो मैं लिख देता हूं इसका फार्मूला होता है बच्चों लेंथ ठीक है लेंथ के साथ हम क्या करेंगे जो ब्रेथ है उसे प्लस करेंगे बच्चों ठीक है और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है अब देखो भाई पहले तो लेंथ की बात कर लेते हैं तो बच्चों हमने इसका लेंथ भी कैलकुलेट किया था इधर देखो लेंथ देखो भाई लेंथ ऑफ येलो रेक्टेंगल कितना आया था हमारे पास ये आया था बच्चों फोर्टीन सेंटीमीटर आया था लेंथ ठीक है और जब हमने विथ यानी ब्रेथ की बात करें बच्चों ये भी हमने कैलकुलेट किया था और ये कितना आया हमारे पास ये एट सेंटीमीटर आया अब इन दोनों वैल्यू को यानी ये जो लेंथ की वैल्यू एल लिख लेता हूँ और ये जो ब्रेथ की वैल्यू यानी बी लिख लेता हूँ ये दोनों जो हमारे पास वैल्यू आई लेंथ एंड ब्रेथ इसे यूज करेंगे भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि ये जो क्वेश्चन आपके पास एंड में है जिसमें पैरामीटर निकालने के लिए बोला गया इसमें यूज करेंगे तो लेंथ हमारे पास कितना आया था बच्चों एक देखो यहां पे आया था लेंथ आया था आपका 14 और ब्रेथ कितना 8 यानी 14 और 8 को हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में तो लिखेंगे 14 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2 तो सबसे पहले क्या करोगे इन दोनों को प्लस कर लोगे तो जब आप इसे प्लस करोगे बच्चों 14 को और 8 को प्लस करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा आपके पास ठीक है अब ट्वेंटी को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा और इसमें सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया 44 आया अभी लेंथ की वैल्यू एक प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस पार्ट में कर चुके थे वहां से मैंने यूज कर लिया ब्रेथ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके थे जो हमारे पास एट आए इन दोनों वैल्यू को यूज किया और देखो यहां पे हमने बोर्ड मास रूल यूज किया बच्चों ने जिसके अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ठीक है उसके बाद ही बाकी चीजें करते हैं ब्रैकेट के अंदर प्लस था इसलिए मैंने प्लस करवाया उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया 44 सेंटीमीटर हमारे पास पैरीमीटर आ गया और एरिया कितना आया 112 सेंटीमीटर एक बेसिक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी एरिया लिखोगे बच्चों ठीक है एरिया की वैल्यू जब भी लिखोगे तो इसके पीछे सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर उसके बाद ऐसा स्क्वायर लगा दोगे और जब भी पैरीमीटर लिखोगे बच्चों पैरीमीटर यानी बाउंड्री की बात कर रहा हूं मैं पैरीमीटर उसके पीछे ऐसा टू यानी कि स्क्वायर नहीं लगाते हैं। सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हैं जो भी हमारा आंसर आता है उसके पीछे यहां देखो 112 में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा और यहां नहीं लिखा मैंने टू तो आपको याद रखना है कि भाई जब भी यूनिट लिखते हैं इसको यूनिट बोलते हैं बच्चों सेंटीमीटर में क्वेश्चन में हो सकता है मीटर में भी हो सकता है किलोमीटर में भी हो सकता है इंचज तो में भी हो सकता है ठीक है तो जिसमें भी आपके पास हो जाए तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि अगर ये गलती नहीं करोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जब आप एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मतलब इस क्वेश्चन तक क्वेश्चन नंबर एट के इतने सारे पार्ट हमने कर लिए ये तक रखते हैं अब जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा बच्चों मैं चैप्टर इलेवन का एरिया एंड इट्स बाउंड्री उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो टॉपिक है आपका प्रैक्टिस टाइम ठीक है तो उस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है तो वीडियो पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर किया करो अपने दोस्तों में से शेयर करना और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ठीक है बच्चों चलो अभी के लिए बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में